हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार विधान परिषद पटना में जो इंटरव्यू हुआ था, कार्यालय परिचारी, फर्रास, सफाईकर्मी, माली, दरबान, रात्रि प्रहरी, जो भी पोस्ट था, उन लोगों का रिजल्ट अब आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बात किए थे कि फरवरी में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तो देखिए फरवरी में रिजल्ट आ चुका है। चलिए डिटेल्स हम दिखाते हैं कि किन किन कैंडिडेटों का रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो सके, सारा चीज़ डिटेल्स में जानते हैं। देख लीजिए, कल के डेट में रिलीज किया गया है बिहार विधान परिषद पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 8/2019 का अंतिम परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट। इनमें वैसे कैंडिडेट को रिजल्ट दिया गया है जो 9 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 को इंटरव्यू दिए थे, यानी कि पाँच पोस्ट है, रात्रि प्रहरी का, दरवान का, फर्रास का और सफाईकर्मी का, साथ ही माली का। इन 6-5 पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप लोग अपना रोल नंबर मिलाकर दे सकते हैं। पहले जो फर्रास का रिजल्ट दिया गया है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर रिजल्ट दिखा गया है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति कोटि का, पिछड़ा वर्ग कोटि का, सारे कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया हुआ। इसी तरह से 6 पोस्ट था माली का, तो माली का 6 यहाँ पर रिजल्ट दे दिया है, आप लोग दे सकते हैं। उसके साथ ही आगे लोग देख सकते हैं कि दरवान का 7 पोस्ट था, तो 7 रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से आगे भी हम दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी का, सफाईकर्मी का 7 पोस्ट था, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से सारे कैटेगरी का रिजल्ट यहाँ पर दे चुका है। अब रिजल्ट सिर्फ बच गया तो ऑफिस अटेंडेंट वाले को, कार्यालय परिचारी को, तो उनका रिजल्ट के बारे में हम फिर आपको बता दूँ कि ऑफिस अटेंडेंट के कैंडिडेट आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अगर फरवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोग को रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग को हम पहले भी बताए थे, उसी तरह से फिर बता देते हैं कि एक्सेप्टेड अनुमानित बताते हैं हम लोग आप लोग को कि मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपने देख लिया रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन होना है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है, सभी सफल कैंडिडेट को प्रमाण पत्र का सत्यापन परिषद के सचिवालय के विस्तारित भवन में 15 दिसंबर 2021 यानी कि सोमवार को दिन आप लोग अपना सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट साथ में लाएंगे। तो डॉक्यूमेंट साथ में जो लाना है वो लाना है कि ऑनलाइन आवेदन के डाउनलोड प्रति, एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड से आप लोग दिए थे, पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जैसे कि आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होगा, उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा जो कि स्कूल से मिलता है सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र जिसे हम लोग बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, वो ले लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जरूर लीजिएगा, तभी जाके आपको जाति का छूत्र मिलेगा। तो सारे चीज़ आप लोग दो दो कॉपी फोटो स्टेट करके ले लीजिएगा और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेकर के 15 जनवरी को जरूर पहुंच जाइएगा बिहार विधान परिषद के विस्तारित भवन में। तो ये था आप लोग का रिजल्ट के रिगार्डिंग जानकारी। अब ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट बहुत जल्दी फरवरी के लास्ट वीक में या जनवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। तो आप लोग देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट और हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, फास्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपकी जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ हम आपको क्लियर कर दूँ कि जो कैंडिडेट प्रमाण पत्र की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिनका रिजल्ट हुआ है वो ज़रूर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, बाद में आपको समय नहीं दिया जाएगा, ना ही आप पे कोई विचार किया जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अपना रिजल्ट देख लिए और 15 फरवरी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके करवा लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट अपना ले लीजिएगा, आपको शॉर्ट स्क्रीन यहाँ पर लेकर रख लीजिए या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ नए खबरों के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।